इस वीडियो से कोई भी बीमारी का उपचार नहीं किया जाता है और ना ही करने की सलाह दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुबले पतले सेहत को लेकर परेशान रहते हैं? आपके शरीर में पोषण की कमी, खून की कमी, शारीरिक दुर्बलता, थकान, चक्कर आना, हाथ पैर में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, नसों में दर्द, सूनापन, नसों में कमजोरी, हार्ट संबंधित समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे आंखों में दर्द होना, लाल हो जाना, मसूड़े से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे मसूड़े से खून आना, दांतों को टाइम से पहले हिलना, टूटना या घिसना जैसी समस्याएं, आपके स्किन का ग्लो खत्म हो रखी है, स्किन में ब्लैक स्पॉट हो गई है, आपके मुंह में या आपके जीभ में छाले हो गई है जो बार बार हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, आप इस सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं और आप मार्केट में एक सस्ती दवाई ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आपके ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मार्केट में फेमस, बेहद सस्ती और बहुत ही ज़्यादा असरकारी एक दवाई के बारे में जानकारी देंगे, जिस दवाई से आप आपके ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका नाम है बिकासुर कैप्सूल। दोस्तों, आपने इस फेमस दवाई के बारे में बहुत बार सुने होंगे जो मार्केट में बेहद सस्ती और बहुत ही असरकारी है। इस फेमस दवाई से आप आपके इस सारे प्रॉब्लम से बहुत आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में बिकासुर कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि बिकासुर कैप्सूल कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, क्या प्राइस, क्या कंपोजिशन और स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ बिकासुर के तीन और ब्रांड के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आपको अलग अलग विटामिन, नेचुरल एक्सट्रैक्ट और अलग अलग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। बात करेंगे अलग अलग ब्रांड की रिटेल प्राइस के बारे में, डॉक्टर द्वारा क्या यूज लिया जाता है, क्या डोज और ड्यूरेशन देखने को मिल सकती है, अगर उस दवाई से आपको साइड इफेक्ट होता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे इस दवाई को यूज करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में बिकासुर कैप्सूल की जो अलग तीन ब्रांड के बारे में जानकारी देंगे, हो सकता है उस ब्रांड के बारे में आपको पहले से जानकारी ना हो, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको उस ब्रांड के बारे में संपूर्ण और कंप्लीट जानकारी मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम शुभंकर और आप देख रहे हैं आपकी अपना यूट्यूब चैनल सुबो हेल्थ केयर, जहाँ से आप पाते हैं हेल्थ से जुड़ी मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं बिकासुर कैप्सूल और बिकासुर के तीन और ब्रांड के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिकासुर नाम से जो ब्रांड है उसके बारे में। बिकासुर कैप्सूल फाइजर कंपनी की एक पॉपुलर ब्रांड है, जिसका 20 कैप्सूल की प्राइस 55 रुपीज होती है। ये एक बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट विद विटामिन सी कैप्सूल है। इसमें मिलाई गई है थायामिन मोनोहाइड्रेट 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, विटामिन B2 जिसे रिबोफ्लोविन भी कहा जाता है 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, विटामिन B जिसे नियासिन भी कहा जाता है 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, विटामिन B6 जिसे पायरिडोक्सिन भी कहा जाता है जो है 3 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, विटामिन B12 जिसे मिकोबालामिन भी कहा जाता है, इसे मिथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है जो 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है, विटामिन B7 जिसे बायोटिन या विटामिन H भी कह सकते हैं जो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है, कैल्शियम पेंथोनेट 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है जो 1.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है, विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है। डॉक्टर द्वारा इस दवाई को आपके शरीर को हेल्दी, आपके हार्ट को हेल्दी, आपके शरीर में खून की कमी, थकान, चक्कर आना, हाथ पैर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, नसों में दर्द, नसों में ऐठन, आपके आंखों से जुड़ी हुई समस्या, आपके दांतों से जुड़ी हुई या मसूड़े से जुड़ी हुई समस्या, आपके मुंह के छाले और स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर बिकासुर की दो नंबर ब्रांड की बात करें तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा बिकासुर Z नाम से। बिकासुर Z कैप्सूल भी फाइजर कंपनी द्वारा मार्केटेड किया जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो ये भी 20 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको 55 रुपीस देखने को मिलती है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट, विटामिन सी एंड जिंक सल्फेट मिलाई गई है। इसमें आपको एक्स्ट्रा जिंक सल्फेट देखने को मिलेगा।
इस दवाई की कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग सेम ही आपको विकासूल की जैसे ही देखने को मिलती है, जैसे कि विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहा जाता है 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है विटामिन B1 जिसे थायामिन भी कहा जाता है जिसका स्ट्रेंथ 10 मिलीग्राम होती है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ होती है, कैल्शियम पैंथोनेट 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ होती है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 41.4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ होती है जो कि इसमें एक्स्ट्रा मिलाई गई है। इसके अलावा विटामिन B7 जिसे बायोटिन भी कहा जाता है 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ, विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है जो 1.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है। साथ ही साथ इसमें देखने को मिलती है विटामिन B12 जिसे मिथाइल कोबालामाइन भी कहा जाता है जो 15 mcg यानी माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, विटामिन B2 जिसे रिबोफ्लोविन भी कहा जाता है जो 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ होती है। अगर विकासूल जेड कैप्सूल के यूज की बात करें तो डॉक्टर द्वारा इस दवाई को आपके शारीरिक दुर्बलता, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सुबह उठने में कठिनाई होना, उठने की मन नहीं करना, शरीर में खून की कमी होना, हाथ पैर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, आपके आँखों से जुड़ी हुई समस्या, आपके हार्ट संबंधित समस्या, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, आपके नसों से जुड़ी हुई समस्या जैसे नसों में दर्द, सूनापन, झंझनाहट, नसों में कमजोरी, आपके मसूड़े या दांतों से जुड़ी हुई समस्या जैसे मसूड़े से ब्लड आना, आपके दांत टाइम से पहले हिलना, टूटना, घिसना जैसे समस्याएं। इसके अलावा अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, जिस वजह से आपको खाना खाने में कठिनाई होती है, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट और कम पैसे में आपको ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है। 3 नंबर की बात करें तो मार्केट में विकासूल परफॉर्मेंस नाम से फेमस है। विकासूल परफॉर्मेंस भी फाइजर कंपनी द्वारा मार्केटेड किया गया है जिसका 15 कैप्सूल की पैकिंग आपको 181 रुपीस में मिल जाती है। विकासूल का दूसरे ब्रांड की तुलना में आपको इसमें कुछ अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जिसमें 5 अमीनो एसिड, 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाई गई है, 14 एसेंशियल विटामिन मिलाई गई है और 11 एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें मिलाई गई है। तो चलिए इस कॉम्बिनेशन को डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा नेचुरल एक्सट्रैक्ट और क्या स्ट्रेंथ में मिलाई गई है। इसमें मिलाई गई है जिनसिंग एक्सट्रैक्ट पाउडर 21.25 मिलीग्राम, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स 12.5 मिलीग्राम, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 10 मिलीग्राम, मिक्स्ड कैरोटीनॉइड्स 5 मिलीग्राम, गार्लिक पाउडर 2 मिलीग्राम, लाइकोपिन 10% डिस्पर्सन 2 मिलीग्राम। इसमें आपको एसेंशियल विटामिन देखने को मिलेगा कोलिन बाइटार्ट्रेट 25 मिलीग्राम, विटामिन सी 25 मिलीग्राम, नायासिनामाइड 15 मिलीग्राम, विटामिन ई 10 इंटरनेशनल यूनिट, पेंटोथेनिक एसिड 4.5 मिलीग्राम, विटामिन B1 1 मिलीग्राम, B2 1 मिलीग्राम, विटामिन ए 1600 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन B6 0.5 मिलीग्राम, विटामिन के 55 माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड 50 माइक्रोग्राम, बायोटिन 30 माइक्रोग्राम, विटामिन D3 200 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन B12 0.5 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है। एसेंशियल मिनरल्स की बात करें तो जिंक सल्फेट 11 मिलीग्राम, आयरन 10 मिलीग्राम, पोटेशियम 10 मिलीग्राम, क्लोराइड 9.07 मिलीग्राम, मैंगनीज 5 मिलीग्राम, कैल्शियम 3.86 मिलीग्राम, कॉपर 2 मिलीग्राम, क्रोमियम 200 mcg, आयोडीन 150 mcg, सिलेनियम 40 mcg, मॉलिबेडेनियम 0.04 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है। सबसे लास्ट में देखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड की स्ट्रेंथ। इसमें मिलाई गई है एल मिथियोनिन 22 मिलीग्राम, एल ग्लूटामिक एसिड 20 मिलीग्राम, एल लाइसिन 19.6 मिलीग्राम, एल सिस्टाइन 5 मिलीग्राम, एल कार्निटाइन 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई गई है जो आपके हेल्थ को हमेशा ऊर्जा से भरी हुई रखने के लिए एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होती है।
इस दवाई को डॉक्टर द्वारा अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, ना ही सुबह उठने की इच्छा होती है, आपको थकान, कमजोरी, चक्कर आते रहते हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, तनाव, ऐंठन रहती है, नसों से जुड़ी हुई समस्या जैसे नसों में सूनापन, नसों में दर्द, ऐंठन, झंझनाहट रहता है, आपके ये सारे प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए डॉक्टर द्वारा बिकासुल परफॉर्मेंस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। बिकासुल के चार ब्रांड में से लास्ट दवाई है बिकासुल प्लस, जो सेम कंपनी फाइजर द्वारा मार्केटेड किया जाता है, जिसका 30 कैप्सूल का प्राइस 212 रुपीस होती है। ये एक मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है। चलिए विस्तार से जानते हैं इसमें कौन सी विटामिन और क्या स्ट्रेंथ में मिलाई गई है। इसमें मिलाई गई है विटामिन ए 5000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन D3 जिसे कोलेकॉल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल भी कहा जाता है 15 मिलीग्राम, विटामिन B1 5 मिलीग्राम, विटामिन B2 5 मिलीग्राम, निकोटिनामाइड 45 मिलीग्राम, डी पैंथोल 5 मिलीग्राम, विटामिन B6 2 मिलीग्राम, विटामिन सी 75 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 1000 mcg यानी माइक्रोग्राम, विटामिन B12 5 mcg यानी माइक्रोग्राम, डी बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट 70 मिलीग्राम, कॉपर सल्फेट 0.1 मिलीग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.01 मिलीग्राम, जिंक सल्फेट 28.7 मिलीग्राम, पोटेशियम आयोडेट 0.025 मिलीग्राम, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.15 मिलीग्राम। इस सारे विटामिन को मिला के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है आपके सेहत को हेल्दी और ऊर्जा से भरी हुई रखने के लिए। इस दवाई को डॉक्टर द्वारा दिन में एक बार लेने की सलाह दिया जाता है, जरूरत पड़ने पे दिन में दो बार भी लेने की सलाह दिया जा सकता है। इस दवाई को लेने से पहले आप एक बात की ध्यान रखें, अगर आप पहले से कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये बात डॉक्टर से जरूर बताएं, ताकि आप पहले से जो हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें भी हो सकता है सेम विटामिन हो, तो इसे आपको ओवरडोज होने की खतरा रहता है, जिसे आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। इस दवाई से आपको गैस्ट्रिक, पेट में दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है, कंस्टिपेशन या दस्त की शिकायत हो सकती है, जीमतली या उल्टी का शिकायत हो सकती है। इस दवाई को यूज करने से पहले ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी तरह की दवाई से एलर्जिक रिएक्शन होता है तो डॉक्टर से जरूर बताएं। ये दवाई प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग माताओं में बिल्कुल सेफ है, लेकिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग माताओं में ये दवाई यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो ये था बिकासुल के चार अलग अलग ब्रांड के बारे में डिटेल्स में जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक प्यारा सा कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।